सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्से क्लासेस। गाइस क्लास जो है 16 अभी लाइव हो चुकी है। जी हाँ, दोपहर को 2 बज चुके हैं। आप सभी को पता है हमेशा 2 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। आज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डील करने वाले हैं और एग्जाम में आने लायक सारे क्वेश्चन अपन डील करेंगे। तो आपको जो है शुरू से अंत तक यानी कि पूरा वीडियो जरूर देखना, बीच में स्किप नहीं करना, ना ही बीच में छोड़ना इस वीडियो को। साथ ही साथ अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो ऑल इंडिया की नर्सिंग जगत और पैरामेडिकल जगत की सभी वैकेंसीज़ की अपडेट यानी कोई भी भर्ती आती है उसकी अपडेट और उसके साथ साथ जो है फ्री लाइव क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुरू करने से पहले वीडियो को जो है आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो के लिए मैं जो है 300 लाइक एम कर रहा हूँ। जी हाँ, हमने परसों जो 300 लाइक एम किए थे, आप सब लोगों ने उसका जो है मान रखा, 300 लाइक आ गए। कल के वीडियो में 250 लाइक एम किए थे, वो भी आ गए, तो आज 300 लाइक एम करते हैं। इन लाइक से क्या होता है कि हमारे चैनल की जो हमारी टीम है उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, बंदों को जो है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको जो है सारी क्लासेस समझ में आ रही है, इसलिए वो बंदे लाइक कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो है आप करें ताकि हमारी टीम जो है और अच्छा कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाए। लगातार बहुत ही शानदार क्लासेज हो रही है, 16 क्लास है, 15 क्लासेज यदि आपने नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और पीजे लक्ष्य क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 लाइव क्लासेज जो लिखा है उस पर क्लिक करके सारी क्लासेज आप देख लीजिए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं और एक बार वीडियो को लाइक करते हुए अपन शुरू करते हैं क्लास का आज का जो है पहला क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इससे पहले इस बार सिलेक्शन श्योर है, बस आपको जो है हमारे साथ जुड़े रहना है और रेगुलरली जो है सेल्फ स्टडी के साथ साथ पार्टिसिपेशन करना है, यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो आप क्लास में तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। कैसा आएगा पेपर, ESIC, DSSB, NORSET, SGPJ, BHU सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। BHU और ESIC, DSSB के लिए विशेष करके बहुत ही अच्छी क्लास जो रहने वाली। आप कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं हमें और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फटाफट से बता दीजिएगा। एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। काफी लोग जो है लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं वो बंदे और 100% सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो आप बस हमेशा 2 बजे क्लास में जरूर जुड़े। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अच्छी और खुशखबरी यह है कि आप हमें पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें, जहां पर विभिन्न प्रकार की न्यूज यानी ऑल इंडिया की नर्सिंग जगत की हर एक भर्ती की संबंधित कोई भी न्यूज आती है या फिर आपके रिलेटेड कोई भी जो है न्यूज़ कटिंग आती है अखबार की या फिर जो है कोई भी PDF या लिंक वगैरह होते हैं फॉरम की लिंक वगैरह, वो सारी चीज़ हम वहीं डाल रहे हैं पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पे। तो आप पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर जो है फेसबुक पर जाएँ पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके हमें फॉलो कर लें। एक बार शेयर कर दीजिएगा फिर मैं शुरू करता हूँ इस क्लास को। ठीक है, तो फटाफट से जो है 300 लाइक कायम किया तो वो भी आप जरूर पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो ऑडियंस है उस पर और हमारी टीम जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे खतरनाक और शानदार क्वेश्चन लेकर आ रही है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, सीधे छपने वाले क्वेश्चन। इन भर्तियों में 100% छपेंगे। BSU की जो भर्ती हुई है अभी कल ही एग्जाम हुआ उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे 14 क्लासेज में छप गए, मतलब आप देख पाएंगे कि कितना बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है, बस आप एक बार शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं शुरू करता हूं ठीक है क्लास को। तो ये रहा आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक बार जो है अपने वीडियो को जो है क्वालिटी 360 या 480 पे रखे, अच्छे से दिखेगा आपको। 60 क्वेश्चन अपन ने डील कर लिए थे। आज जो है पहला क्वेश्चन देखा जाए, विच टाइप ऑफ इंसुलिन कैन नेवर बी मिक्स्ड विद अनदर। बहुत ही बढ़िया 5 स्टार क्वेश्चन है। मैं जिन क्वेश्चन को आप 5 स्टार बताता हूँ आप उसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट्स में उतार लेना। ठीक है, क्वेश्चन 100% छपेगा। कौन सा ऐसा इंसुलिन है जो अदर इंसुलिन या अनदर इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता, इंटरमीडिएट, रेगुलर, रैपिड एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े सभी का वेलकम, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमेशा 2 बजे आप जुड़े और पुरानी जो 15 क्लासेज है वो जरूर देख लेना सारी की सारी। ठीक है, क्वेश्चन इनमें से ही उठेंगे आने वाली जो प्रत्येक भर्तियां हैं उनमें। और एक बार टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें जहाँ पर हमने जो है जैसे ही पेपर होता है उसकी PDF वहाँ हम डाल देते हैं, वो आराम से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम जो है उसका नाम पीजे लक्ष्य क्लासेज, आप टेलीग्राम पे जाए पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है जैसे कि ग्लार्जिन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लार्जिन इंसुलिन। ठीक है, ये जो है किसी अनदर के साथ में मिक्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो लॉन्ग एक्टिंग रहने वाला है। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, आंसर देते जाएँ सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स एकदम फटाफट से भागना चाहिए, धड़ाधड़ भागना चाहिए। कोई बात नहीं, गलत होता तो मैं आपके जो है सही बताऊंगा और जिंदगी भर आप नहीं बोल पाओगे। ऐसे क्वेश्चन जो है अपन डील करेंगे। फॉर ए पेशेंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फॉलोइंग इज ड्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। पेशेंट है, उसमें हिस्ट्री क्या है कि वो रोड ट्रैफिक में उसका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो उसमें कौन सा ट्रू है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, गलत है ये।
सबसे पहला ट्रीटमेंट आपके होता है जिसको अपन केयर भी कहते हैं, वो होता है कि आपको ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इज टू बी सस्पेक्टेड, ट्रेकियल इंट्यूबेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिल्कुल नहीं है। पेशेंट शुड इमीडिएटली पुट इन लेटरल पोजिशन, ठीक है, लेटरल नहीं है, अपने को जो है कौन सी पोजिशन है, कहाँ पर इंजरी है, उस हिसाब से रखना है, ठीक है। तो ये तो तीन गलत हो गई, ट्रेकियल इंट्यूबेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। और पेशेंट इमीडिएटली किस पोजीशन में रखेंगे, वो कैसी इंजरी है, लेकिन अपन जो है जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है सबसे सीवियर इंजरी जो होती है वो होती है स्पाइन इंजरी, तो अपन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी सस्पेक्टेड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो ट्रू है वो यही सही है, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, ठीक है, याद रखना। जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पे हमें जरूर जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला भी, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट, तो इंट्राडर्मल यानी कि आईडी इंजेक्शन के बारे में पूछा है, मैं आपको बताता हूँ सारे के सारे, आईएम इंजेक्शन, आईडी इंजेक्शन, सबकुटेनियस जो है, और इसके अलावा जो आपके होता है आईवी, ठीक है, इनके एंगल आप देख लीजिएगा, याद रखना एक क्वेश्चन श्योर आएगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को इंक्लूड किया। हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे क्वेश्चन ला रही है जो हमेशा आने लगे। आई एम इंजेक्शन हमेशा 90 डिग्री पे लगेंगे, ठीक है, सब क्यूटेनस जो है आपके 30 डिग्री पे लगता है, आई वी इंजेक्शन 45 डिग्री मान के चल रहे हैं, ठीक है, थीके? तो आपने पीछे 15 बचाया और 15 डिग्री पर लगता है आई डी, ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे एंगल 15 डिग्री, सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं 15 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 7 स्टार क्वेश्चन है, एक बार इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स साथ में साथ बनाए रखना, ठीक है, बहुत अच्छे काम आएंगे आपके हर एक एग्जाम में, आने वाले जितने भी एग्जाम है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। एक पेशेंट है, एक क्लाइंट रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी ले रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी किस में ली जाती है, एक्लेम्सिया में या प्री एक्लेम्सिया में, तो यहाँ पर ले किस में रहा है, तो प्री एक्लेम्सिया में, आप सभी देख पा रहे हैं। व्हाट इनिशियल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी शुड अलर्ट द नर्स टू इंटरवेन, ठीक है, यानी कि कोई भी पेशेंट है जो प्री एक्लेम्सिया का पेशेंट या एक्लेम्सिया का पेशेंट है जिसको सीजर आने की संभावना है, उसमें अपन मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में दे रहे हैं, ठीक है, MgSO4, तो उसमें जो है टॉक्सिसिटी होने का सबसे पहला साइन कौन सा है, ठीक है, लैक ऑफ नीजर रिफ्लेक्स, जिसको अपन डीप टेंडन रिफ्लेक्स कहते हैं, DTR कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इसको लैक ऑफ नीजर की जगह जो है DTR लिखा सकता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डेवलपमेंट ऑफ कार्डियक डिसरिथमिया, हाइपर एक्टिविटी सेंसोरियम, इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी रेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है आपके जब भी आप MgSO4 देते हैं तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो हमेशा बढ़ती है, लेकिन टॉक्सिसिटी का पहला साइन जो होता है वो होता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स का, वहाँ पर जो है अब्सेंट होना या लैक होना, ठीक है, इनकम होना, DTS जिस DTR या जिसको आप नी जर्क रिफ्लेक्स भी कहते हैं। फटाफट से आंसर दीजिए जितने भी साथी जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कहाँ से क्लास देख रहे हैं, क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही, सारे लोग कमेंट बॉक्स में, यार क्या सो रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, आप यदि सोते रहोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो आप जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे, ठीक है, हमेशा 2 बजे क्लास होती है, 15 क्लासेज आप पुरानी देख लेना। लैक ऑफ नीजर रिफ्लेक्सेस का एकदम सही आंसर है, सभी के सही आंसर आ रहे, कुछ लोग जो है हमारे साथ पहली क्लास से लगातार जुड़े हुए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि उनके जो है क्वेश्चन कोई गलत होता नजर नहीं आ रहा। हाउ ऑफन ओरल केयर इज प्रोवाइड टू वेंटिलेटेड पेशेंट, 7 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी पेशेंट है जो कि वेंटिलेशन पर है, ठीक है, वेंटिलेटर पर है, उस पेशेंट को अपन जो है कितने टाइम के बाद में जो है ओरल केयर देते हैं, ठीक है, तो ट्वाइस ए डे दिया जाता है, ट्वाइस पर डे, ठीक है, नहीं एक दिन में 2 बार कम से कम केयर देनी होती है वेंटिलेटेड पेशेंट को, जो है उसकी माउथ केयर जिसको ओरल केयर कहते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन आपके सामने है 7 से 9 घंटे में, 9 घंटे से ऊपर में, 4 से 6 घंटे में, एवरी 1 से 3 घंटे में, 1 से 3 घंटा तो कम हो गया, ठीक है, 7 से 9 घंटे या 9 घंटे ये काफ़ी ज़्यादा है, मैंने 2 बार बोला इसका मतलब 6 घंटे, और 4 से 6 घंटा एकदम राइट आंसर रहने वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से देख रहे हैं क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, कौन सी एग्जाम की तैयारी करें ये भी बता दें, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर अभी से कर लीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों के साथ साथ न्यूज़ जो आती है उनकी साथ साथ जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एग्जाम्स की तैयारी भी करवा रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इधर उधर की बातें अपन जो है नहीं करेंगे, सारी चीजें जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है, क्वेश्चन 100% आने वाले एग्जाम्स में छपेंगे, ठीक है, 66 क्वेश्चन नंबर 66, नंबर ऑफ प्रोमेटेड एट द मेटाफेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है, मेटाफेज यानी कि एक बार जो है सेल डिवीजन की, वैसे कई बार स्टेजेस पूछी जाती है तो वो भी मैं आपको बताता हूं, एक सीक्वेंस में बताता हूं, ठीक है, सबसे पहले आपके आती है प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज, उसके बाद में आती है मेटाफेज, मेटाफेज के बाद में आती है एनाफेज, एनाफेज के बाद में आती है टीलोफेज, ठीक है, तो चारों के चारों फेजेज आपको याद रखनी है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, ठीक है, तो इसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमेटिड मेटाफेज में पूछी है, मेटाफेज में आप सभी को बताया 2 होती है, दोनों में यानी कि माइटोसिस और मियोसिस में
में दो होती है क्रोमेटिड संख्या, यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार आप आंसर दीजिएगा। टू इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, वन इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, टू इन माइटोसिस, फोर इन मियोसिस, वन इन माइटोसिस, टू इन मियोसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एकदम सही आंसर आपके आ रहे हैं, ये आंसर जो है वो सही रहने वाला है। एक बार सारे लोग कमेंट करते जाइएगा आंसर। टू इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस क्रोमेटिड जो होते हैं वो मेटाफेज में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड, ये जो है आपके एनाटॉमी से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन आएगा आएगा, ठीक है। पिट्यूटरी को अपन मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, ये याद रखना। छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे कम पूछा जाता है, लेकिन कहाँ पाई जाती है ये पूछा जाता है। एब्डोमिनल में, एब्डोमन में कहाँ से होगी, ब्रेन में कहाँ से होगी, किडनी में भी नहीं है, किडनी तो खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती है, लेकिन नेक रीजन जो होता है सेलाटर्सी का गुहा होती है, यानी कि सेलाटर्सी का कैविटी होती है, उसमें पाई जाती है। नेक रीजन में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। दो प्रकार की होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और जिसको अपन जो है एडिनो हाइपोफाइसिस वगैरह इस हिसाब से कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेना जब भी मैं आंसर होता हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, सर काफ़ी लोग देख रहे हैं, लाइक बहुत कम आ रहे, क्या बात है, थक गए क्या। ए क्लाइंट्स मेम्ब्रेन रप्चर वाइल हर लेबर इज बीइंग एग्यूमेंटेड विथ एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, एक क्लाइंट है उसके मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो चुकी है जब वो लेबर जो एग्यूमेंटेड किया जा रहा है ऑक्सीटोसिन के थ्रू, ठीक है। ए नर्स ऑब्जर्व वेरिएबल डिसेलरेशन इन द फीटल हार्ट रेट, यानी कि नर्स जो है वो असेस करती है कि बच्चे की जो हार्ट रेट है वो डिसेलरेट हो रही है, मतलब एक्सेलरेट ना होकर डिसेलरेट, मतलब कम हो रही है फीटल मॉनिटर स्ट्रिप में, ठीक है। व्हाट एक्शन शुड बी नर्स टेक, यानी कि जल्दी से जो एक्शन लिया जाएगा वो कौन सा है। प्रिपेयर्ड ए क्लाइंट फॉर एन इमीडिएट बर्थ, जल्दी से इसके बच्चे का जन्म करवा दिया जाए। टेक ए क्लाइंट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर लो क्लाइंट का। स्टॉप द क्लाइंट ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन रोक दो। चेंज द क्लाइंट पोजीशन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाई दीजिए, ठीक है। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द इमीडिएट बर्थ, ये कोई ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है। टेक द क्लाइंट ब्लड प्रेशर, लेने से कोई बच्चे में कोई दिक्कत वाली जो है वो सही नहीं होगी। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन रोकना भी कहीं पर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसकी पोजिशन की वजह के बच्चे में जो है कोल्ड प्रोलाप्स हो गई होगी, ठीक है, कोल्ड प्रोलाप्स हो सकता है, तो उस क्रोड प्रोलैप्स को जो है रोकने के लिए अपन उसकी जो क्लाइंट है उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे ताकि उसकी क्रोड प्रोलैप्स को रोका जा सके, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69, 16-year-old मेल ऑन IQ टेस्टिंग हैज मेंटल एज 9 ईयर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैथमेटिकल थोड़ी सी चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये पूछा गया। सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि इसमें होता क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता देता हूँ, IQ लेवल के हिसाब से यदि देखा जाए तो जो आपके 70 से ऊपर जितने भी हैं वो ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल है। 50 से 70 के बीच में जो है आपके वो माइल्ड है। 30 से 50 के बीच में है वो आपके मॉडरेट है। और इसके अलावा जो है 30 से 20 के बीच में है, 30 से 20 के बीच में है, वो आपके सीवियर कंडीशन के हैं। और 20 से भी नीचे है तो प्रोफाउंड कंडीशन वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, IQ लेवल। अब इसमें IQ लेवल क्या आता है उस आधार पर अपन बताएंगे सीवियर है, मोल्ड जो है, माइल्ड है, मॉडरेट है, क्या, ठीक है। तो 9/16 × 100 यहाँ पर जो है, तो इसमें जो है 16 को अपन 4 से काट देंगे, 4 आ जाएगा, 100 को 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। और 25 और यहाँ पर 6 × 54, मतलब 55 के आसपास जो है इसका IQ लेवल आ रहा है, ठीक है। 50 से 70 मैंने आपको बताया था कि माइल्ड होता है, इसमें सही आंसर जो आपका जाएगा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, MR पेशेंट है लेकिन माइल्ड है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, एक बार फिर से आप जो है फॉर्मूला देख लीजिएगा। अपन इसको जो है मेंटल एज कहते हैं, और इसको जो वाकई जो है एक्चुअल एज होती है उसको अपन क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, ठीक है। IQ का फॉर्मूला एक बार आप देख लो, ठीक है, यहाँ पर जो है ऊपर लिखेंगे अपन मेंटल एज, ठीक है, नीचे लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल एज, और इंटू करेंगे अपन 100, और कैटेगरी मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है, पीछे। तो एक बार जो है आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता दूंगा, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लो IQ का, ठीक है। MA का मतलब है मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज CA, ठीक है, इसमें भाग दे के बाद में अपन 100 से गुणा कर लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा आप कि नॉर्मल कंडीशन माइल्ड, ठीक है, माइल्ड, उसके बाद में मॉडरेट, मॉडरेट, उसके बाद में आ गया सीवियर, और लास्ट में प्रोफाउंड, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट टाइप का। नॉर्मल होता है 70 से ऊपर, माइल्ड होता है 50 से 70 के बीच में, स्क्रीनशॉट ले लेना फिर कॉपी में छाप लेना। मॉडरेट होता है आपके 30 से 50 के बीच में, सीवियर होता है 20 से 30 के बीच में, ठीक है, 20-30, और जो भी 20 से नीचे है वो प्रोफाउंड में आएंगे, ठीक है।
तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है कॉपी में छाप लेना। अगला क्वेश्चन 7 स्टार क्वेश्चन है और आजकल हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है, एक बार यस और नो में कमेंट करके बताइएगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको शानदार जानकारियाँ मिलेगी। तो आप पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज को हमें लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम सॉरी फेसबुक पर जाकर पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके फॉलो करें। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज्ड बाय। एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो किसके द्वारा स्टरलाइज किए जाते हैं? हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, बॉयलिंग ग्लूटर एल्डिहाइड, ठीक। हॉट एयर ओवन जो है ये आपके ड्राई हीट का जो है डिसइंफेक्शन का मेथड है, ये आपको याद रखना। ये आपके वेट हीट स्टरलाइजेशन का मेथड है, बॉइलिंग भी एक वेट हीट का ही है, लेकिन ग्लूटर एल्डिहाइड ये केमिकल मेथड है, ठीक है। और इसमें जो आपके एंडोस्कोपिक जो है हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एंडोस्कोपिक जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ग्लूटर एल्डिहाइड के थ्रू ही आपके जो है डिसइनफेक्ट किए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टरलाइज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट शुड बी नर्स टीच ए क्लाइंट हु इज टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव टू मिनिमाइज द ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई बंदा है, कोई भी जो है क्लाइंट, वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है, किसके लिए? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को रोकने के लिए। तो जो नर्स है वो उस पेशेंट को क्या टीच करेगी, क्या एजुकेशन देगी? वियर सपोर्ट होज कंटिन्यूसली, सपोर्ट होज को कंटिन्यूसली पहनना, अवॉइड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को रोकना, लाई डाउन फॉर 15 मिनट आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन, मेडिकेशन लेने के बाद 15 मिनट तक सोते रहना, या सिट फॉर 5 मिनट बिफोर स्टैंडिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर दीजिएगा जितने भी साथी जुड़े, 50 लोग जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं, 15-20 लोगों के, तो बाकी वाले क्या करें। वीडियो को एक बार आप सभी लोग जो है जितने भी जुड़े एक बार लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से, और जैसे ही वीडियो खत्म होता है शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। 300 लाइक मैंने एम किए हैं, तो वो आते हैं तो कल और शानदार क्लास होगी। वो आएंगे कहाँ से? तो वो आप जो है अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी जो है आप तक जो है सभी तक ये क्लास पहुँचेगी, और जो है ये अपना एम पूरा होगा। ये एम पूरा होता है तो हम जो है आपके एग्जाम तक सारी क्लासेज लेंगे हमेशा कंटिन्यू 2 बजे। आप यदि जुड़े रहते हैं तो सिलेक्शन श्योर है। बस आपको जो करना क्या है, 2 बजे हमेशा जुड़ना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पे हमें फॉलो करना। छोटा सा काम है, बस एक बार कर लेते हैं तो बार बार करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें जो है नर्स कहेगी कि 5 मिनट जो है कम से कम सोने के बाद में यदि वो उठता है तो 5 मिनट तक बैठे रहना, फिर खड़े होना, ठीक है। यानी 5 मिनट तक मिनिमम बैठे रहना ताकि वो जो है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन, ए पेशेंट इज रिसीविंग पेरेंटल थेरेपी ले रहा है आईवी रूट से, द आईवी ऑर्डर आर 400 ml D5 दे रहा है, ठीक है, टू रन ओवर 8 आवर्स, एट व्हाट रेट शुड बी नर्स मेंटेन इन्फ्यूजन। यानी नर्स जो है इन्फ्यूजन को किस रेट पे रखेगी ताकि 400 ml का जो है आपके आईवी इन्फ्यूजन D5 जो है वो 8 घंटे में पूरा हो जाए। ऐसा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाला, ठीक है। तो आप जो है इसको मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ कैसे, ये भी एक मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। चलिए तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। 400 ml जो है आपके फ्लूड देना है, 8 घंटे में देना है, तो प्रति घंटे कितना देना, ठीक है। 800 ml जो है 4 घंटे में कितना देना है, सॉरी 8 घंटे में 400 ml देना है, 400 ml, तो प्रति घंटे कितना देंगे ये पूछा गया है। तो 1 घंटे में जो है आपके 400/8, ठीक है, यहाँ पर जो है 40 में 5 बार और 50 ml पर 50 ml/hr आपको फ्लूड देना है। कैलकुलेशन एकदम इजी है, जितने भी सारे जो है आपके जितना वॉल्यूम दिए हुए, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक, इस हिसाब से आपको याद करना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, 50 ml/hr, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, फॉर ट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन इन ए न्यूबॉर्न फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब एंड लेरिंगोस्कोप ब्लेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी न्यूबॉर्न में आप ट्रेकियल ट्यूब यानी ईटी ट्यूब जो है इंसर्शन कर रहे हैं न्यूबॉर्न में, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए ट्यूब और लेरिंगोस्कोप ब्लेड का? अनकफ्ड ट्यूब विथ कर्व्ड ब्लेड, यानी कि अनकफ्ड ट्यूब और कर्व्ड यानी मुड़ी हुई ब्लेड होती है, कफ्ड ट्यूब विथ कर्व्ड ब्लेड, कफ्ड ट्यूब विथ स्ट्रेट ब्लेड, या अनकफ्ड ट्यूब विथ स्ट्रेट ब्लेड। 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लेना इसको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें जो है जब भी अपन न्यूबॉर्न को देते हैं तो एक तो वो अनकफ्ड होनी चाहिए, ठीक है, कफ नहीं होना चाहिए उसमें, अनकफ्ड, साथ ही साथ स्ट्रेट होनी चाहिए। तो कौन सा आंसर सही है बता दीजिए, अभी तो सामने है आपके अनकफ्ड और स्ट्रेट कौन से में है, सारे लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया, डी आंसर इज करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।
द एल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग दैट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। ये क्वेश्चन तो आजकल हर एक एग्जाम में आता ही आता है। मतलब क्या है कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा से क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए जो है BHU के लिए भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। द एल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग कौन सी है जो कि ट्रीटमेंट किया जाता है लॉन्ग टाइम एल्कोहलिज्म वाले मरीज में, ठीक है, जो भी ज़्यादा ड्रिंक करता है उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी एल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग यूज़ किया। सेंसिटाइजिंग मतलब क्या है, वो ड्रग देने के बाद में यदि वो एल्कोहल लेगा तो उसको जो है उल्टियाँ हो गई, उसकी मतलब सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई। तो ऐसी ड्रग हेलोपेरिडोल, फिनोबारबिटोन, डाइसल्फिराम या कार्बामेजापाइन। बिल्कुल आप सभी ने सुना होगा बिना बताए शराब चुराए। मतलब क्या है, वहाँ पर डाइसल्फिराम दे दी जाती है, फिर यदि वो शराब पीता है तो उसको जो है उल्टियाँ वगैरह होने लगती है, इसलिए डाइसल्फिराम एक करेक्ट ट्रांसफर। और इसको जो है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्कोहलिज्म भी कहा जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्कोहलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है आप याद रखना, डाइसल्फिराम ड्रग आजकल ट्रेंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, मैकेनिज्म ऑफ टाइप सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसन, यानी इनमें से कौन सा है, एक्सेप्ट पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जो है टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी के बारे में कौन सा सही नहीं है। एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन, ऑप्शनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज होती है, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट एंड एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होता है। तो कैसे लग रही है क्लास, फटाफट से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक शानदार कमेंट हमारी टीम के लिए जो छोड़ रहे हम उसको पिन करेंगे, जो कि आप 1,00,000 की ऑडियंस पर आपका कमेंट जो है सबसे ऊपर देखेगा, और क्लास के लिए शानदार सा और जो है आप जरूर कमेंट छोड़ें। इसके अलावा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना ज़्यादा लोगों तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों तक। इसके अलावा फेसबुक पेज PJ लक्ष्य क्लासेस पे हमें जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको शानदार जानकारियाँ मिलेगी। लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे जाएं PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके हमें फॉलो करें। इसका आंसर 75 का जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना, सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना जितने भी वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा कल 2 बजे आप जरूर जुड़े, जहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी, और यदि आप जो है क्लास में एग्ज़ाम तक टिके रहते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, वीडियो को लाइक करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंस करना है, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, ताकि हमारी टीम का यदि मनोबल बढ़ेगा तो जो है आप लोगों के लिए और अच्छे से क्वेश्चन हम लाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर पूरी PDF मिलेगी। तो ये तो एक बार फिर से कल वाला ही डायग्राम अपन ने बढ़ा दिया, ऐसा बना के बताना था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है पढ़ाई में विशेष फोकस करें। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स नज़दीक है और 5-5 साल से भर्तियाँ आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा अब मौके नहीं मिल रहे आप लोगों, अभी जो है मौका वो बाद में नहीं आएगा, तो आप बस फिर जो है पछताना नहीं है, इसलिए अपने को जो है अभी से तैयारी करनी है, ठीक है। तो लगातार 2 बजे जुड़े, उससे पहले ऑल इंडिया की नर्सिंग जगत की सभी वैकेंसीज, जो भी नई भर्ती आएगी उनकी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। कल 2 बजे आप जरूर जुड़े क्लास में, उससे पहले जितने भी भर्तियाँ आती हैं उनके वीडियो भी आप देखते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल 2 बजे।